देश का नाम इंडिया से बदलकर आधिकारिक तौर पर केवल भारत करने की अटकलें तेज हैं। भले ही संविधान के अनुच्छेद 1 में दो नामों को परस्पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया को हटाने और केवल भारत को बनाए रखने की मांग करने वाली एक जनयाचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि अब इंडिया हटाकर केवल भारत करने की मांग एक बार फिर हो रही है। मामला केवल भारत के अंदर तक ही सीमित नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अगर भारत ने इंडिया नाम त्याग कर दिया तो पड़ोसी देश पाकिस्तान उसे फौरन लपक लेगा। एक ट्विटर हैंडल साउथ एशिया इंडेक्स ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से लिखा कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर आधिकारिक तौर पर अपना इंडिया नाम त्याग देता है तो पाकिस्तान इंडिया नाम पर दावा कर सकता है। इसने आगे लिखा कि पाकिस्तान के राष्ट्रवादी लोग लंबे समय से तर्क देते आ रहे हैं कि इंडिया नाम पर पाकिस्तान का अधिकार, क्योंकि ये पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र इंडस रीजन से उत्पन्न हुआ है। गौरतलब है कि G20 से संबंधित रात्रि भोज के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के तौर पर संबोधित किए जाने को लेकर मंगलवार को बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार देश के दोनों नामों इंडिया और भारत में से इंडिया को बदलना चाहती है। सूत्रों ने G20 से संबंधित कुछ दस्तावेजों में देश के नाम के रूप में भारत का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये सोच समझकर लिया गया निर्णय है। G20 प्रतिनिधियों के लिए तैयार की गई एक पुस्तिका में कहा गया है, भारत देश का आधिकारिक नाम है। इसका उल्लेख संविधान और 1946-48 की चर्चाओं में भी किया गया। वहीं पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हिंदू बहुल भारत से एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में किया गया था। सितंबर 1947 में यानी ब्रिटिश हुकूमत के खत्म होने के महज एक महीने बाद लुईस माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक कला प्रदर्शनी का मानद अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। माउंटेन जहां भारत तो वहीं जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, लेकिन तब जिन्ना ने इसका विरोध किया क्योंकि इस पर वह हिंदुस्तान की जगह इंडिया लिखा हुआ था। तब जिन्ना ने माउंटबेटन को लिखा, ये अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे कारणों से हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द अपना लिया है जो निश्चित रूप से भ्रमक है और इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना है। दरअसल जिन्ना चाहता था कि डिटेल में लिखा हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान कला की प्रदर्शनी है, लेकिन माउंटबेटन को ये स्वीकार नहीं था। आखिरकार जिन्ना ने निमंत्रण वैसे ही स्वीकार कर लिया। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। मुस्लिम लीग ने विभाजन से पहले यूनियन ऑफ इंडिया भारत का संघ नाम पर आपत्ति जताई थी। कुछ टिप्पणीकारों ने तर्क दिया था कि इंडिया नाम पर जिन्ना की आपत्ति का पता चलता है कि उनका अंतिम लक्ष्य पूर्ण विभाजन के बजाय किसी प्रकार का ढीला या संघ या परिसंघ बनाना था। इंडिया नाम को लेकर भारतीय संघ के भीतर भी विवाद शुरू हो गया था। ब्रिटेन के उपमहाद्वीप में भी अपने साम्राज्य के नाम के रूप में इंडिया शब्द को चुना गया था जो कि ग्रीक मूल का है। इंडिया नाम को लेकर संविधान सभा में भी खूब बहस हुई थी। बाद में तय हुआ कि दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन आर्मी से लेकर संयुक्त राष्ट्र की सीट तक भारतीय संघ और ब्रिटिश इंडिया द्वारा प्राप्त अधिकांश कानून उपलब्धियां विरासत में मिली हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय ने सभी उद्देश्यों के लिए इंडिया को भारत कहे जाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक जनयाचिका 2016 में खारिज करते हुए कहा था कि लोग देश को अपनी इच्छा के अनुसार इंडिया या भारत कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर और न्यायमूर्ति UU ललित की पीठ ने 2016 में महाराष्ट्र के नटवाल द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा था, भारत या इंडिया, आप इसे भारत कहना चाहते हैं कहिए, कोई इसे इंडिया कहना चाहता है उन्हें कहने दिया जाए। अब आगे